मेरे देश के जवान, भारत हिंदुस्तान का जवान बहादुर, इस देश के लिए एक एक कतरा खून दे करके लाश से लाश बिछा करके चले गए। सलाम माओ बहादुर के, हमेशा से हिंदुस्तान के जवान वो पापी पाकिस्तान के ललकारे लगे। भूमिका का एक बल कैसे माफ कर, लड़ते जवान सितम फौजी भारत के साथ रहे, ना झुका ये तिरंगा झुकेगा कभी, सर कफन बांध कर वीर कहते रहे। क्रांतिकारी जवान हो, चाहे फौजी जवान हो या अपने हिंदुस्तान के पहलवान हो, सलाम बाबू बहादुरन के। लेकिन गजल में कहे पर कैसे मास्टर, ये गजल के लाइन बा, नमजिया अरे नमजिया दिल की बीमारी है, लेकिन बार अपने देश के जवान, बार हिंदुस्तान का जवान बहादुर, सलाम बाबू बहादुरन के। लेकिन बिरहा में कवि जी लिखे पड़ कैसे, जिसे मरी ने की हसरत है, जिसे मरी ने की हसरत है, उसे जीने की नहीं अभिलाषा, जीने की अभिलाषा नहीं, जीने की अभिलाषा। आप लोगों के बेटा, आप लोगों के भाई, आप लोगों के भतीजा, चाहे ठंडी पड़े, चाहे गर्मी पड़े, चाहे बारिश हो, अपन जान हथेली पर लेके वो बॉर्डर पर तैनात बाड़न। सलाम बाबू बहादुर के, कहानी आप लोगों के समझ में आ जाई। जवहरीश का एक पल कैसे वाह कर, मथुरा का फौजी नागरी,
की कहानी कैसन बा। मथुरा में बघौर गांव में रहे वाले बलवंत सिंह कारगिल की लड़ाई में लड़ते 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 हमेशा दुश्मन के मुंह तोड़ जवाब दे। कारगिल की लड़ाई में उनका दाहिना पैर जख्मी हो गई, डॉक्टर साहब बता दिए बलवंत सिंह आपका दाहिना पैर काम नहीं कर पाएगा, इसको काटना पड़ेगा। ए भैया अस्पताल में लोग भर्ती करौलन, बलवंत सिंह लाचार, ये कैसे हो सकेला कि हमार दाहिना पैर जख्मी और हमार पैर काटे के पड़ी। बलवंत सिंह लाचार बाड़न, आखिर डॉक्टर वह कैलन, बलवंत सिंह के दाहिना पैर कटा गई, आंख से आंसू आवत बा, बहुत कठिन जिंदगी बा, एगो फौजी खातिर बड़ी कठिन जिंदगी बा। लेकिन गीत लागल मास्टर, गीत कैसन बा? गीत बजौलन बुढ़ऊ दादा चाचा लोगन आपहु लोगन खातिर बा और नौजवान भाई लोगन आपहु लोगन खातिर बा। कोनो मंसरा लड़का देखे एगो लड़की से कहे लागल, तू बड़ी खूबसूरत बाड़ू, जब पीला फराक पहने लू तेवरी गजब लगे लू। कहे कैसे? गजब के रूप तोहर आ गजब सूरतिया तू पवलू ना हो, गजब के रूप तो हर गजब सूरतिया तू पवलू ना हो, कोई हम के दीवाना बनवलू ना हो। बलवंत सिंह का दाहिना पैर जख्मी, पैर काटल बा, बेड पर लेटल बा, भइल का कहे के बल जाई अस्पतालवा में कट गई ले घोड़ावा खले लगले हो, तलवा में कटी गई ले घोड़ावा खले लगले हो, पैसा की सहारे चले लगले हो, ए भैया बलवंत सिंह दाहिना पैर कटा गल, समय बीतल धीरे धीरे समय बीतल, बैसाखी पर लगलन चले गांव जवार के लोग कहे लगाई रे माई का माली ई कैसन दिन देखात बेचारा के, न माली के को औलाद देले बाड़न, आज दाहिना पैर जख्मी हो गेल कटा गई, आखिर कैसे जिंदगी बीती। बलवंत सिंह घरे आइलन हां, समय बीतल त भइल का मास्टर कहे के पड़ल, लाचार बलवंत घरे आइ रे, नवासु घर भई अंधियारी घरवा में जगमग दिया नवा जरे लगले हो, अंधियारी घरवा में जगमग दिया नवा जरे लगले हो, पैसा की सहारे चले लगले हो, मालिक सब कुछ थोड़ी न छीनेलन, दाइना पर कटागल घरे आइलन, समय जब धीरे धीरे बीतल तो मालिक दू गो बचवा
जुड़वा बचवा पैदा भइल बलवंत सिंह का मेहरारू के तू जुड़वा बचवा पैदा भइल बड़ी खुशी बाबा रे मालिक बा तू सब कुछ ना छीने लो बचवन के नाम रखाई चंदन और नंदन इतनी खुशी बा धीरे धीरे समय बीतल दोनों बचवा जब 3 साल के भइलन तब तक मालिक एगो बिटिया भी दे देलन एगो बिटिया भी दे देलन बिटिया के नाम रखाई सरिता ए भैया इतनी खुशी बा खुशी खुशी अपने परिवार में अपन जिंदगी व्यतीत करत बाड़न बचवन के नाम बा चंदन और नंदन माई बाबू दोनों बचवन के लेके बिटिया के लेके लोग सुतल बा बलवंत सिंह अपने तीनों बचवन के लेके अपने पत्नी के संग सुतल बाड़न अचानक भइल का मास्टर कहे के पड़ल अरे रखे नाम चंदन नंदन दिन 3 साल का बीता है बड़ी डकैती सतबंदे बड़ी डकैती फौजी के घर रोने लगी अनीता है धन के साथ ले चंदन को डाकू सभी फरार हुए मिला पता ना कहीं पुत्र का माता पिता लाचार हुए हुआ सयाना नंदन बेटा दौड़ लगाता सर्दी में भर्ती हुआ है फौज में पट भर्ती हुआ है फौज में पट्टा चेहरा चमके वर्दी में तीनों बचवन के लेके सुतल बाड़न आधा रात बीतल अचानक बलवंत सिंह के घरे डकैती पड़ल चोरी भइल गहना गुड़िया जितना रुपया पैसा उठा के तो चोरी करके ले गईबे कइलन लेकिन साथे चंदन बेटवा के भी लेके फरार हो गइलन माई बाबू छाती पीट पीट के रोवे लगलन कहल जाला मर जाला आदमी तो भुला जाला लेकिन अगर बचवा लापता हो जाए चोरी हो जाए भुलाला ना माई बाबू छाते पीट पीट कर रोवत बालन आखिर कैसे मन के अपन जिंदगी बितावल जाई मालिक दुगो बचवा देलन आज मेरे चंदन के चोरी करके ले गईलन हमार बचवा के लेके आखिर कहाँ गईलन माई बाबू रोवत बालन ए भैया धीरे धीरे समय बीतल धीरे धीरे समय बीतल नंदन बेटवा के माई बाबू खिया पिया के सयान कैलन नंदन डेली सुबह में 2 बजे 3 बजे उठ के रोडे पर दौड़ लगावे डेली के दौड़ लगावे बलवंत सिंह कहे लगलन हमार बेटा नंदन फौज में भर्ती हुई माई कहे लगल आज हमार दोनों बेटवा रतन तो कितना खुशी रही समय बीतल हो भैया आखिर नंदन फौज में भर्ती हो गई लन इतनी खुशी बा इतनी खुशी बा गांव जवार के लोग बधाई देते हैं भैया तुहार तो बेटवा फौजी हो गई बहादुर बाप का बेटा भी आज फौजी बा सब कोई खुशियां मनावत बा माई अपने बेटवा नंदन के सीने से लगा के कहे लगल कहे बेटा आ हमार लाल बेटा कभी अपन कदम पीछे मत रही हमार लाल माई अपने बचवा के धीरज बढ़ावत बा लेकिन तेरी में कहे पर कैसे अरे देखई बेना समर में पिठिया देखई बेना समर में पिठिया दुश्मन की छाती पर झंडा गाड़ उड़ई बे दुश्मन की छाती पर झंडा गाड़ उड़ईबे देखईबे ना समर में पिठिया माई अपने बहादुर बेटवा के कहले बार बेटा बा
लेकिन माई के आंख में आंसू बा। नंदन कह लग माई तू खुशी नहीं खी, तो खुशी नहीं खे, आज तुर बेटा फौज में भर्ती हो गई। माई कह लग ना हो मरला, खुशी काहे नहीं खे, मार बेटा बहादुर हो गई फौज में भर्ती, काहे ना खुशी बा। तो काहे रोवत बड़ी माई कह, आज वो हमारा बेटवा रही, आज वो यही तरह वर्दी में लौकत। बहिनिया सरिता दौड़ी कल करस कि भैया जात बाड़ा ना, तो एगो काम करा जइहा, हे परिवार के भी ख्याल रखियो, आई धरती माई के भी ख्याल रखियो। बहिनिया कहत बा कैसे विदेशिया में, सरिता बहिनी राखी अरे बांधली कलैया में, आ जननी के लाज रखी भैया बीरा नवा। बहिनिया के ले भैया, एगो तो भाई माई कहे ले कि बचपने में चोरी हो गई, ओके तो हम ना देख पड़ी, चेहरा ना याद आवे ला, लेकिन मालूम बा हमार दो भाई रहलन, लेकिन आशा तो हरिए बा। भाई का कहे पड़ल ट्रेनिंग बिता के कसी मेरे ताया नाती भाई ले, कुछ दिन बाद यही ले छुट्टी भावा नवा। नंदन ट्रेनिंग बीतौलन कश्मीर में, छुट्टी मिलल घरे अइलन माई के ले बाबू। ए नंदन, अरे पगला हम तो कहत बनी अब तो बहिनिया भी सयान हो गई बा, बाबू तुहरा पाहिज बड़न, तू ही के कुल करे भाई हमार लाल, तो बहिनिया के देख सुन के कहीं शादी कर देता। नंदन ना रिश्तेदार के सहारा पौलन, अपने बहिनिया सरिता के रिश्ता खातिर लगलन ढूंढे। समय बीतल, आखिर शादी खातिर एगो लड़का मिल ही गई, बड़ी खुशी बा। नंदन के हमारे बहन के जब शादी हुई ना, हम अपने बहन के डोली में बैठा के विदा करो, इतनी खुशी बा, इतना लालसा बा, इतना मन में सपना बा। घरे बतियावत बड़ा हमारे बहनिया के शादी हुई, तो बड़ी खुशी खुशी डोली में बैठा के अपने बहनिया के विदा करब। तब तक हेड क्वार्टर से फोन आई बा नंदन के मोबाइल पर, एगो सीनियर अधिकारी को, आखिर साहब बन का मास्टर गीत लागल, गीत कवन बा। ये हमरे गुरुजी का धुन बा। कैसे मास्टर? झूलनिया के गुजवा, अरे झूलनिया के गुजवा, अरे टूटल ये राजा जमनिया से गड़िया छूटल ये राजा। कि माई अब बहन छुट्टी बहुत ज्यादा मिलल बा, तोहन के साथे रही, बहिनिया के शादी उदी तय हो जाई, ओकरी बाद जब फोन आई तो जाइब ना। अचानक फोन आइल बा सीनियर अधिकारी को, आखिर साहब कलन का, अरे वर्दी स्टार बे, वर्दी स्टार बे, टोपी लगा ला बहादुर बीरावा आगा थे रही फल उठाला। धावा किया पाकिस्तानी कमीना, छल निकारो पीरो दुश्मन का सीना,
छुट्टी कैंसिल की गई, जल्दी से तुम बॉर्डर के तरफ आ जाओ। नंदन कहे साहब छुट्टी तो हमें कुछ समय तक मिल रहे। साहब बोलन कि नहीं। नंदन फोन रख देलन, वो तो पहिलन जब घरवा से बाहर निकलन तो माई कहले नंदन हरे पगला हरे वर्दिया में कहां जात हुआ। नंदन कहे माई हमें घर बहुत जरूरी बा। माई कहे तू अपने माई से इतना झूठ बोले ले, तू तो कहले हमके बहुत छुट्टी मिलल बा कुछ दिन तक रहो आ तू अजीब जाए लगले। माई तू हमें जाए दा। माई बड़ी खुश मगर जा बेटा हमारा आशीर्वाद बा। गांव जवार के लोग आई बहनिया रोवे लगल भैया हमारे सदिया में आ जाइबा ना हर पगड़ी तोर सदिया में आ जब काहे टेंशन कइले बाड़ी। नंदन वर्दी में चलन हम बॉर्डर के ओर स्टेशन पर जाके बैठल बन गाड़ी आए वाली बा। मोबाइल चलावत बन के बन गाड़ी अभी आए वाली बा। स्टेशन पर बेचारे नंदन बैठल बाड़न लेकिन होत का बा हो भी आप लोग गौर करब। गीत लागल गीत कवन बा गीत है बा। कोनो मेहरारू अपने मरद के समझावे का कहे मास्टर। अरे डूबी मरब ये राजा डूबी मरब ये राजा जई बजो पूर्व के सवा औरी कहे का ओही पूरा बथे सावा में बसे पंगली लिया हो सिपाही चारों तरफ से घेर ले लिए। अरे गद्दार चोरी करके खुलेआम बैठा है। नंदन कहे साहब अरे मालिक कम से कम वर्दिया देख के तब बात करा। हम फौजी जवान सिपाही लोग डांट करके आवाज दिए खींच के एक झापड़ मरलन। नंदन के खींच के एक झापड़ मरलन। नंदन कण गई देखा ई कैसन नौटंकी होत बा। अरे साहब हमार बॉर्डर से बुलावा आई बा में जाए दे। सब लोग डांटने लगे कि चोरी करके खुलेआम स्टेशन पर बैठा है तू शर्म नहीं आ रही है। चारों तरफ से लोग घेर लिए हाथ में हथकड़ी पहना दिए। आखिर नंदन के साहब हमार गलती का बा। आखिर हमार गलती का बा। हाँ जोन के साहब हमें जाए दे हमें बहुत जरूरी बा गई। नंदन इशारा कैले न का हमनी रतो सपानी महनी न कहनवा भैया गलती क्या है कोई सुनत नहीं है नहीं के हाथ में कड़ी पहना देने के लिए चलन जेल में डाले कलन ने कहा
हथकड़ी लगाय जानी भेज जे लखनवा भैया हो मंदिर तो सपानी महानी लखनवा लेकिन हमार गलती का बात बताई तो सिपाही लोग ढाट करके आवाज दिए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है ऐसे तुम बात कर रहे हो चोर एक तो चोरी करके ऐसे तुम बात कर रहे हो कौन क्या आखिर चोरी का भइल बा हम कहले का है आखिर कलन हलो का सच्चा सबूत रहल कहे मरा में चेहरा हो सिपाही लोग कहने एक बतावा ही वर्दी पहन के साला वर्दी पहन के कहत बा कि हम फौजी जवान बानी एक साहब नहीं खेलावत हई वर्दी पहने बा चोरी करत बा ए साहब आ से चोरिया का भइल बा ले जा कर के लोग दिखाए सीसीटीवी कैमरा में नंदन का चेहरा साफ दिखत बा ओ सीसीटीवी कैमरा में नंदन का आखिर कैसे ही हो सकेला हम फौजी जवान हम देश का सेवा करीला हम तन मन से सेवा करी ना बहुत बढ़िया साजिश खेलवा मेरे साथ है कलन है का लोगावा पहला डाकू पैसे दे ही पहारा हो आखिर नंदन के सबूत भी मिल गई सीसीटीवी कैमरा में चेहरा भी बा बैंक बैंक डकैती में नंदन की भी चेहरा साफ दिखत बा तुम डाकू हो वर्दी पहनकर तुम घूम रहे हो नंदन का आखिर बात का बा एकरे पीछे बहुत बढ़िया साजिश कैल बा आखिर ले जाकर के लोग जेल में डाल दिए यहाँ तक नंदन के फांसी भी सजा मिल गई कि नंदन के फांसी दी जाए नंदन करके अब ना बनल हई देखा हमार फांसी भी हो जात बा हमके कुछ मालूम भी नहीं खे नंदन कलन के आखिर अपने माई से अपने बहन से वहां कैसे हम बात करें मोबाइल भी लोग छीन लेलन मोबाइल भी लोग छीन लेलन नंदन का कुछ समझ में नहीं खे अब ले जा करके लोग जेल में डाल दिए समय बीते लागल नंदन जेल में लचार आंख में आंसू आवत बा हम कौने खातिर जेल में बंद बानी हो नहीं खे मालूम यहाँ तक हमार फांसी कभी सजा मिल गई बा नंदन लचार यहाँ समय धीरे धीरे बीतल बहिनिया के शादी कभी दिन नजदीक आ गई पूरे परिवार के लोग आस लगुले बा कि हमार नंदन बाबू आई है हमार नंदन आई बहिनिया के शादी बा अपने बहिनिया के डोली में बिठावे जरूर आई यार बलवंत सिंह कहिल आखिर बाबू को फोन नहीं खेयावत जब से कहिल एक भी बार फोन नहीं कहिलस बहिनिया आस लगा के जोत बा हमार भैया आई है वादा कहले बारन कि शादी दिन जरूर आई और वो तो बनिया लेकिन कहे पल कैसे गीत से बढ़िया भाव में कभी जी बिखलन है कैसे सरिता बहिनिया के सरिता बहिनिया
आके अरे सरिता की सदिया की पड़ली लगनिया हो अजलवा में बीरा नाला चार हो ए भैया समय धीरे धीरे बीतल सदिया के दिन एकदम नजदीक आ गई बा ए हर बारात सजा लागल सईदा अविनाश तक हो तमर भैया आई है वादा कइले बा कि तोर शादी जन जरूर आई लेकिन भइल का कहे के पड़ल आइल बारात तोरे दुल्हेरा जाओ फौजी वर्दी में एक आयल जवानवा हो फौजी वर्दी में एक आयल जवानवा हो दुल्हन के सिंदूरदान भी कर देल माई अविनाश लगावत बा हमर बाबू अभी ना आई फोनो नहीं खियावत फोनो नहीं खे लगत हमर बिटिया के विदा के करी बाबू अपाहिज आखिर विदा क्या करी बहिनिया भी आस लगावत बा हमर भैया ना आईलन डोली में बैठे के बारी हो गई तब तक एक फौजी वर्दी में एक जवान आई अपने मुंह पर गमछा डलले बा लोग कहे लागल ई नंदन ह त काहे बदे मुहावा ढकले बा अगर ई नंदन ह त काहे बदे मुहावा ढकले बा सब लोग ताकत बा कि आखिर ई नंदन ऐसा काम ना करेला उ बहादुर जैसे रहेला कबो ऐसा काम ना करेला हई वर्दी पहिनले बा चोरे जैसा खड़ा बा एकर का मतलब बा त कहे कर भइल का बा कर मेरे शंकर मेरे शंकर के डमरू से डमक डम डम निकलता देखा नंदनवा के देखा हई वर्दी में चोरे जैसन खड़ा बा एकर मतलब का बा मुंह अपन डकले बा गमछा से बन्हले बा तब भइल का कहे के पड़ल हटाया रुख से जब परिदा हटाया रुख से जब परिदा कहे सब लोग
कहीं देखा नंदन आ गई हो हाय अपने बहनिया के विदा करे बदे तो बहनिया एक लाइन कहत बा कैसे बोली बहना मेरे भैया तुम्हारा लाख वंदन नौजवान बोलल बा बहुत बता नौजवान बोला गए यहाँ कोई भूल ना करिए यहाँ कोई भूल ना करिए रे यहाँ कोई भूल ना करिए जवान बाबा हमें नंदन नेगी समझो हमें नंदन नेगी समझो हमारा नाम चंदनी है जवान कहे लागल डांट करके आवाज दिया कैसन नंदन हम कोनो नंदन नहीं है हमार नाम चंदन बा माई देखल सवाक गांव में जवार के लोग आवाक कहीं देखा नंदन नहीं आई चंदन आई बा वो फौजी बा वो वर्दी पहन के आई बा बहनिया आवाक नंदन भैया के देखे लेकिन चंदन भैया के ना देखले हमार चंदन भैया भी आज आ गईलन उ चंदन जोन चोरी भइल रहे वे चंदन कलस छोटे पर हमके लोग चुरा के लेके गईल रहे हम कैसे अइनी काहे बदे अइनी उ चंदन अपन बात बतावत बा पापड़ से कहे कल कैसे झूठा फौजी पाना बतिया माना हो अचंदन डाकू हमके कहे जमाना बतिया माना हो वर्दी पहनने वाली हम डाकू है माई के लरी चंदन तू कैसे यहाँ आईले बेटा तो के भेजल कैसे तू आईले अरे पगला तोर नंदन भाई न फोन करत बा न आवत बा के रू कहाँ गई चंदन बतावत बा हम कैसे यहाँ आईली काहे बदे आईली वो पूरा बात बता हम कहे बोल कैसे मानव के जनमवा धन्य उहे जीवन जवन करे चंदन कहे लाल कैसे यही नहीं हमके के भेजन कहत मैं अपन सच्चाई बताओ तो कैसे मारती समैया के सवंत चाचा कहां ले चंदन तो हर माई बाबू
हमार चाचा जसवंत मरते मरते जब उनका मरे समय भई तब मरते मरते को बात बतौलन कह चंदन अरे बेटा हम तो चाचा बानी हम तो के चोरी करके लेके आए बन तो के डाकू बनौली हम तू हमारे सगे भाई की लड़का बाड़ा बेटा तू जा तुहार गांव पघौर बा तुहरे बाप के नाम जसवंत बा तुहरे भाई के नाम नंदन बा तुहर बहनिया के आज शादी बा जो बेटा तो चंदन बतावत बा का कहत बा के डकैती तो के लेके आईली बचावा रहा बैल धारावा पे नंदन कुमार इतना बता के चाचा तोड़ के हले सतिया जसवंत बतौलन इ दुनिया में नहीं उनका अंतिम संस्कार करके लिए अपने बहनिया सरिता के डोलिया पर उहार डाले बदे माई ने बचवा के सीने से लगा कर रोए लागल चंदन गए लागल करे माई ऐसे हमके संतोष ना होई ऐसे सबर ना होई आज एगो हम नेक काम करब बहुत चोरी कैली बड़ी डकैती कैली लेकिन आज हम एगो नेक काम करे जात बानी उ चंदन कहत बा कैसे खड़ी के लाइन में मेरी दोस्ती के हाथ में अरे अल्लाह कल बागत करी अरे सरे माई हमें मालूम हमार भाई नंदन कहाँ बा माई गलती हम कहीं सजा दूसरे के मिलत बा कहत बा कैसे मेरी दोस्ती के हाथ में अरे अल्लाह कल बागत करी हमारा पीठी के पीरा नवाना सूली परिचरी कलश निर्दोषी के हाथ में लागल बाहत करी हमरे पीठी के बिरनवा ना सूली पर चढ़ी हे माई तोर बचवा हमर भाई नंदन जानत बाड़ू कहाँ बा वो नंदन कहाँ बा बतावत बने उ चंदन कहत बा कैसे हम चंदन डाका डलनी पकड़ गई रे नंदन भाई जुड़वा भाई के चेहरा न सका कोई अलगाई माई बाबू के रतनवा न सुनी पर चढ़ी हमारा पीठी का मेरा नवा न सुनी परी माई बाबू के लेके गांव जवार के संग गईल कहां जो ना जेलिया में उ नंदन बंद बाड़न गईल हाथ जे कहे लागल के साहब गलती हम कइले बंद सजा काहे हमरे भाई नंदन के मिली जे गलती कइले बा सजा ओके मिली फांसी सजा ओके ना फांसी सजा हमके चाहिए
नंदन जब देखला चंदन के चेहरा, दौड़ के जाके नंदन चंदन के अपने सीने से लगा लेलस। चंदन कहे लगल के मतरवा, तू हमरे वजह से हमरे चलते इतना दिन तक तू जेल में अपन जिंदगी बितौला, एकरे खातिर हम क्षमा मांगत बानी। अपने आप के चंदन समर्पण कइले न कि साहब फांसी हमके होके चाहिए। हमरे भाई नंदन के ना आखिर दोनों भाई मिल के जुदा हो गइलन। चंदन नंदन मिल के भी जुदा हो गइलन। माई रोवत पछाती पीट पीट के भुला गइले ले जाके हमर बेटा एगो नहीं खे। लेकिन आज हमार चंदन मिल के भी हमसे जुदा हो गई। हम अपने बेटवा के चाहे के भी ना बचा पौली। चंदन अपने आप के समर्पण कइले न कि साहब फांसी हम तो होके चाहिए। हमारे भाई के ना दोनों भाई जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी का और भरत जी का मिलन होला, मिल के लोग भी जुदा हो जाला, 14 वर्ष खातिर निर्वास हो जाला। वैसे ही आज चंदन नंदन जुदा हो गईलन हमेशा हमेशा खातिर। कहे प्राकृत भाव में कैसे गुरु बिहारी गुरु रमन श्यामा स्वरूप की धारा।